जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बेटा। जी वालेकुम सलाम। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? आवाज आवाज आ रही है आपको? स्क्रीन शेयर हो रही है जी। जी किरण आपको आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन शेयर हो रही है? चले चले ठीक है ठीक है जी। तो होप सो कि आप लोगों ने प्रोग्राम लिख लिया होगा जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करना है। चलें गुड। तो होप सो कि आपने प्रोग्राम लिख लिया होगा। अब मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को लिखता हूँ। दो तीन बच्चों ने भी मुझे सेंड किया है, एक शायद फातिमा खान थी बच्ची और एक शायद उस्मान रमजान। ये दो बच्चे थे जिन्होंने सेंड किया लिख के। दोनों की एफर्ट अच्छी थी, दोनों की एफर्ट अच्छी थी, लेकिन हम लोग उसको यहाँ लिखते हैं। तो होप सो कि अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक उसमें प्रोग्राम में होगी तो उनको समझ आ जाएगी। जिन लोगों ने नहीं लिखा था तो उनको भी पता चल जाएगा कि कैसे करना है। अभी स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग को। आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। अभी 14 पार्टिसिपेंट्स हैं। ज्वाइनिंग ज्वाइन करने में भी प्रॉब्लम आ जाता है ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन, ड्यू टू बर्डन ऑन नेटवर्क ट्रैफिक। तो आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। मैंने आप लोगों को म्यूट कर दिया है ताकि हम किसी तरह के प्रॉब्लम से बच सकें। क्वेश्चन जो है वो आप चैट में पूछ लें मुझसे। मैंने आप लोगों को सबको म्यूट इसी वजह से किया है जी के ताकि हम लोग लास्ट टाइम जैसे हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स से उस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने आप लोगों को सबको इस वक्त म्यूट किया हुआ है। कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप चैट में पूछ लें। अगर क्वेश्चन से हटके कोई बात करनी है तो वो भी पूछ लें, वो भी कर लें, चैट में लिख लें। शाबाश। जी अब्दुल बासित कोई क्वेश्चन? बेटा हमजा बहरोज, हंजला शाह, जुनेद अफजल, किंजा आलमगीर, किरण शहजादी, कोमल बीबी, मोहम्मद उमर, कुरतुल ऐन ग्यास, रोहा जैनब, तुबा शबीर। ये तुबा है या तोबा है? जी जुनेद ये प्रोग्राम जो सामने लिखा हुआ है इसको रिवाइज करना है। तुबा शबीर के बाद उम्मे अमन है, उस्मान रमजान है, जईम अली है। ये स्टूडेंट्स जी इसको मैं बेटा इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ, इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। जुनेद अभी मैंने स्टूडेंट से पूछा था ये तुबा है जी। चले ठीक है ठीक है ठीक है। जी फातिमा जफर जो है उसने भी ज्वाइन कर लिया। अब आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोग कोई क्वेश्चन है पूछना है इसको मैं रिपीट करता हूँ। जी जुनेद इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। लास्ट टाइम आपकी क्लास में से रोहा थी शायद स्टूडेंट एक, उसने भी क्वेश्चन यही पूछा था कि इस प्रोग्राम को रिपीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये था कि हमें नंबर रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले होना चाहिए। उसकी दो पॉसिबिलिटीज थी। एक पॉसिबिलिटी पहली पॉसिबिलिटी तो ये थी कि हम लोग टोटली नंबर को रिवर्स ऑर्डर में फाइंड करें और एट द एंड ऑफ द लूप, बिल्कुल लूप के एंड हो जाने पर हम लोग उस नंबर को डिस्प्ले करें। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, उसके लिए हमारे पास ये था कि हम लोग यहां पर अपने नंबर की प्रॉपर सिचुएशन या प्रॉपर फॉर्म बनाते थे यूजिंग दिस मेथड के हमारे पास एक नंबर जो है वो रिवर्स ऑर्डर में हमें मिले और एट द एंड ऑफ द लूप हम लोग उस प्रोग्राम को रन करें और रन करके अपना जो कंप्लीट रिवर्स नंबर है वो फाइंड आउट कर लें। जस्ट लाइक अभी हम लोग मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास ये प्रोग्राम रन होता है, 1 2 3 4 करते हैं तो हमारे पास 4 3 2 1 आ जाता है। ये तो ये था कि हमने आर ई वी का जो वेरिएबल है ना इसके अंदर हमने पूरा रिवर्स नंबर
जो है ना वो फाइंड आउट किया है। उस फाइंड आउट करने का मकसद क्या था कि जब तक हमारा देखें 1 2 3 4 है, हमें चाहिए 4 2 4 3 2 1। तो जिन्हें जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, 4 3 2 1 से मुराद ये है बेटा कि जब तक आपका नंबर जीरो से बड़ा नहीं, जीरो से जीरो जीरो नहीं हो जाता, तब तक आप लोगों ने अपने डिजिट्स को काउंट करना है, तब तक आपको डिजिट्स काउंट करने हैं। तो यहां पर हमने कंडीशन मार्क की है कि जब तक नंबर जीरो नहीं हो जाता, तब तक आप डिजिट्स जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, हम लोग उसको करना चाहते हैं, हम लोग वो करें। तो कंडीशन तो मार्क कर दी कि जब तक नंबर जीरो नहीं हो जाता तब तक ये काम करो। अब यहां से हमें पता है कि कंडीशन ट्रू होने के बाद वो हमारे पास बॉडी ऑफ द लूप एंटर हो जाता है। जब बॉडी ऑफ द लूप एंटर होगा तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल NUM जो है वो 125 है, फॉर एग्जाम्पल NUM जो है वो 125 है, तो 125 को 10 के साथ जब डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर में 5 आता है आपके पास। अपनी नोटबुक और पेंसिल अपने पास रखें, 125 को जरा 10 के साथ डिवाइड करें, जैसे छोटी क्लासेस में करते थे, करके देखें आपके पास एट द एंड 5 बचता है रिमाइंडर में। जल्दी से बताएं ताकि हम लोग दूसरे प्रोग्राम की तरफ भी जा सके। जुनेद, हंजला और रोहा जो है, ये तीन बच्चे, 125 को 10 के साथ डिवाइड करें तो रिमाइंडर में 5 आता है। आता या नहीं आता मुझे बताएं। जी जुनेद आप बताएं, जी बेटा रोहा आप बताओ, 5 रिमाइंडर में बच रहा है या नहीं बच रहा है? 1 2 5 को जैसे छोटी क्लासेस में डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करके देखें, रिमाइंडर में आपके पास बाकी 5 बचता है, रिमाइंडर में 5 बचता है और ऊपर आपके पास 1 2 आता है। तो अब वो जो 5 है जो रिमाइंडर में बचा, वो 5 किसको साइन हो गया? इस REM के वेरिएबल को, इस REM के वेरिएबल को वो 5 असाइन हो गया। यहाँ आए, यहाँ हमने क्या किया, हम जानते हैं कि इक्वल्स टू के साइन से राइट साइड वाली जो साइड होती है वो पहले एग्जीक्यूट होती है, और यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन की प्रेसिडेंस हाई होती है, पहले मल्टीप्लीकेशन ने सॉल्व होना है। मैं जुनेद आपको वो भी बता देता हूँ, यहाँ मल्टीप्लीकेशन होनी है। अब 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, अब रिवर्स में क्या था हमारे पास, 5 नहीं, रिवर्स में हमारे पास 0 था, 0 मल्टीप्लाइड बाई 10 0, 0 प्लस REM में 5 था, 5 REM में क्या चला गया, 5। अब REV वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर हमारे पास 5 है, इसी तरह फिर यहाँ चला जाएगा। यहाँ जाके जब नंबर को डिवाइड किया जाता है 10 के साथ, तो हम मैंने आपको पहले भी बताया कि जब डिवाइड करते हैं तो ऊपर जो रिजल्ट आता है डिवाइड करने के बाद ऊपर, वो डिवीजन जो होती है वो रिजल्ट होता है 1 2। जब 1 2 5 को आपने 5 के साथ डिवाइड किया था तो 1 2 इसमें साइन हो गया था, 5 इसमें चला गया। अब 1 2 यहाँ आ गया, अब 1 2 नॉट इक्वल टू 0। जी जुनेद, कंडीशन 0 नॉट इक्वल टू 0, जब तक आपका नंबर 0 नहीं होता तब तक ये लूप चलता जाएगा। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें हर डिजिट के साथ डील करना है। 1 2 5 आपने दिया था, आपको 5 के साथ भी डील करना है, 2 के साथ भी डील करना है, 1 के साथ भी डील करना है। तो जब आपके पास 1 2 5 के साथ डील हो जाएगा, इसका मतलब है पीछे तो कुछ भी नहीं बचा, पीछे 0 रह गया। अब बैक एंड पे आपके पास 0 रह गया, अब जब 0 हो जाएगा तो 0 के साथ हमने डील नहीं करना ना। जुनेद फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जब तक हमारा नंबर 0 नहीं हो जाता तब तक हम लोग इस लूप को एग्जीक्यूट करते रहेंगे, और जब एट द एंड 1 को आप 10 के साथ डिवाइड करेंगे ना तो आपके रिजल्ट में आएगा 0 point something। नंबर्स वेरिएबल्स आर ऑफ इंटीजर टाइप, वेरिएबल्स आर ऑफ इंटीजर टाइप, सो 0 point something में हमारे पास सिर्फ 0 को पिक किया जाएगा। जब NUM में 0 आ जाएगा तो 0 इक्वल टू 0 होता है, हमारी कंडीशन है नॉट इक्वल टू 0। जब तक 0 नहीं होता तब तक लूप चलना है। अब जो NUM है वो 0 हो चुका है, अब 0 इक्वल टू 0 हो चुका है, कंडीशन फॉल्स हो गई है। हमने नॉट इक्वल टू लिखा हुआ अपनी कंडीशन में कि जब तक नॉट इक्वल टू होगा तब तक चलना है। अब वो 0 हो गया, अब वो नहीं चलेगा, वो लूप से बाहर चला जाएगा। होप सो कि आप फॉलो करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैंने आपको बताया था, अगर हमने पूरा रिवर्स नंबर एट वंस डिस्प्ले नहीं करवाना, बेटा, देन मैंने आपको बताया था कि आप सिंपल रिमाइंडर फाइंड आउट करते जाएं, आप सिंपली रिमाइंडर फाइंड आउट करते जाएं और साथ साथ डिजिट को डिस्प्ले करवाते जाएं, सी आउट। अब मैंने क्या किया, मैं सिंपली
रिमाइंडर हर जो भी नंबर बाकी बचता है ना यहां से उसका रिमाइंडर लेता हूँ, डिस्प्ले करवा देता हूँ। अब आप लोग यहाँ देखेंगे यहाँ भी इसी तरह ही है, मैं 1 2 3 4 लेता हूँ तो आपके पास 4 3 2 1 डिस्प्ले हो रहा है। अब ये जो 4 3 2 1 डिस्प्ले हो रहा है ना, ये सारा नंबर एट वंस डिस्प्ले नहीं हो रहा, ये पहले 4 डिस्प्ले हुआ था, फिर लूप चला, फिर 3 डिस्प्ले हुआ, फिर लूप चला, फिर 2 डिस्प्ले हुआ, फिर लूप चला, फिर 1 डिस्प्ले हुआ, एंड सो ऑन। होप्स हो कि आप इसको फॉलो कर गए हैं। अब हम लोग अपने दूसरे प्रोग्राम की तरफ जाते हैं, जो कि हमने कहा था जी के फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट। अब लास्ट डिजिट को फाइंड आउट करना बहुत आसान है। लास्ट डिजिट को फाइंड आउट करने का क्या तरीकाकार है मुझे बताएं जरा मैसेजेस में। अगर हम लास्ट डिजिट को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है? अगर कोई प्रोग्राम ऐसा आ जाता है जिसमें हमने लास्ट डिजिट के साथ डील करना है तो क्या करेंगे हम? अगर हमें लास्ट डिजिट को फाइंड आउट करना है, किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट को फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? सिंपली बता दें मुझे, किस ऑपरेटर की मदद से लास्ट डिजिट को फाइंड आउट किया जा सकता है? बताएं मुझे चैट में, मुझे बताएं। हम लोगों ने ये बातें बार बार डिस्कस की हैं, कहां गायब हो गए आप सब लोग? मीटिंग ज्वाइन करके सो तो नहीं गए? मीटिंग ज्वाइन करके आप लोग सो तो नहीं गए? रिमाइंडर ऑपरेटर से, रिमाइंडर ऑपरेटर जी, रिमाइंडर ऑपरेटर से हमें पता चलेगा कि हमें लास्ट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो ये बात याद भी रखनी है, ये नहीं है कि हम लोग पढ़ते जा रहे हैं और आप लोग भूलते जाएं। रिमाइंडर ऑपरेटर को यूज करते हुए हम लोग जो है वो लास्ट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट डिजिट लेना है, हमें लास्ट डिजिट लेना है। चलिए इसको ऐसे कर लें प्रॉपर समझ के लिए, इसको फर्स्ट अंडरस्कोर डिजिट कर लें और लास्ट डिजिट कर लें। बाकी देखें अगर किसी वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, अगर हमें किसी और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है? अगर किसी और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी तो उसको डिक्लेयर कर लेंगे। सी आउट करते हैं, यूजर से नंबर मांगे, NUM में नंबर लेते हैं। अब देखें बेटा, लास्ट डिजिट फाइंड आउट करना बहुत आसान है, ठीक है? लास्ट डिजिट जो होगा हमारा, दैट इज उसको हम लोग 10 के साथ डिवाइड करें, हम आसानी के साथ हमारा लास्ट डिजिट आ जाएगा, ठीक है? आप नोटबुक के ऊपर किसी भी नंबर को 10 के साथ डिवाइड करें, रिमाइंडर में लास्ट डिजिट आ जाएगा उसका। अब हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट डिजिट जो है दैट इक्वल्स टू नंबर इटसेल्फ। अब लूप कहां तक चलना है जरा मुझे बताएं, लूप कहां तक चलना है? जब तक नंबर जीरो नहीं हो जाता, बताएं शाबाश। जब तक नंबर जीरो नहीं हो जाता बेटा, कब तक चलना है लूप? जी मुझे बताएं बेटा कब तक चलना है लूप? देखिए लास्ट डिजिट चाहिए, लास्ट मतलब वो जो पहले वाला डिजिट है, 1 2 5 का 1 चाहिए, 1 2 5 का 1 चाहिए।
तो लूप हमारा ये देखिए जरा, लूप हमारा भला कब तक चलना है कि जब तक नंबर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है, ठीक है जी। जब तक हमारे पास नंबर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है तब तक हमारे पास जो है वो आपका लूप चलता जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है सबको जी। अक्सा उमर जी बेटा सही लिखा आपने, फातिमा ने भी सही लिखा है जी, सही कह रहे हैं। तो अब क्या करें, अब हम लोग यहां पर हम सिंपली नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, ठीक है जी। फिर फर्स्ट डिजिट इक्वल्स टू नंबर सी आउट कर लें, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज, यहां कर लेते हैं जी, फर्स्ट अंडरस्कोर डिजिट प्लस लास्ट डैश डिजिट, या इसको गेट करेक्टर करते हैं। दो बेटा कौन से एरर हैं, अभी मैंने इसको डिस्प्ले नहीं करवा रहा है इसको, अभी मैं एरर्स को डिस्प्ले नहीं करवा रहा, मुझे बताएं कौन से एरर्स हैं। मैंने इंटेंशनली एरर्स लिखे हैं, मैंने एरर्स इंटेंशनली लिखे हैं, चलें डिस्प्ले करवा लेते हैं एरर्स। ये ले बताएं क्या एरर है, बोले हैं एरर ये है कि वेरिएबल नेम में डैश नहीं आता, अंडरस्कोर आ सकता है डैश नहीं आ सकता। आया याद कि नहीं आया याद, एरर ये है कि वेरिएबल नेम में अंडरस्कोर आ सकता है, अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल सिंबल नहीं आ सकता जी। राबिया अकबर ने सही बताया जी, डैश नहीं आना, तो लेकिन इसको यूं बेटा याद रखते हैं कि अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल सिंबल नहीं आ सकता वेरिएबल नेम, ठीक है। तो अभी जहां जहां हम लोगों ने इसको यूज किया था वहां वहां हम इसको चेंज कर लेते हैं, अंडरस्कोर लेके जाते हैं। तो लास्ट डिजिट में ही हमने इसको यूज किया था, सो फिर यहां चलते हैं, इसको चेंजेस करते हैं, इसके अंदर हमने इसको भी सीख कर लिया, अब देखते हैं हमारे पास रिजल्ट आता है ठीक या नहीं आता। अभी कोई एरर नहीं है, 1 2 3 नंबर देते हैं, रिजल्ट आना चाहिए 4, तो ये 4 रिजल्ट आ गया आपके पास। फिर से रन करते हैं, 2 3 4 5 देते हैं, रिजल्ट आना चाहिए 7, ये 7 रिजल्ट आ गया आपके पास। दोबारा रन करते हैं इसको, दोबारा रन करके 8 4 7 2 देते हैं, रिजल्ट आना चाहिए 10 रिजल्ट आ गया, इसका मतलब है प्रोग्राम ठीक है। तो बेटा ये छोटे छोटे जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं ना, बेसिकली जब हम लोग बड़े प्रोग्राम्स की तरफ जाते हैं तो वहां पर इस तरह की कंडीशंस आ जाए तो फिर हमें याद होता है, जब हमने खुद से किया ना हमें पता होता है कि फर्स्ट नंबर को कैसे फाइंड आउट, फर्स्ट डिजिट को कैसे फाइंड आउट करना है, लास्ट डिजिट को कैसे फाइंड आउट करना है। तो प्रोग्राम जब तक ग्रेटर देन 10 है, इक्वल टू 10 है, लूप चलता रहेगा। जब हमारे पास नंबर की कैलकुलेशन जो है वो 10 से लेस आएगी तो प्रोग्राम कहां चला जाएगा, लूप के बाहर, क्योंकि जो फर्स्ट डिजिट होता है अगर हम उस केले को देखें, अगर हम सिर्फ उस केले को देखें तो बेटा वो हमेशा 10 से लेस ही होना है, 0 से 9 तक होगा। चले 0 नहीं, 0 तो 0 हो जाता है ना, फिर उसकी वैल्यू रिटर्न नहीं होती, उसका फर्क नहीं पड़ता। तो पहला जो डिजिट होगा ना किसी भी नंबर का वो 1 से लेकर 9 तक ही होता है जी। जो जब आप ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के अलावा कोई कंडीशन मार्क करेंगे ना तो आपके रिजल्ट में बिल्कुल फर्क पड़ जाएगा,
ठीक है, आप 20 करेंगे तो 20 में आप यहां पर 10 करें, 100 करें, ठीक है, तो 20 करेंगे, समटाइम आपके पास रिजल्ट ठीक आएगा, समटाइम गलत आ जाएगा। जब आपके नंबर का पहला डिजिट जो है वो 1 होगा तो आपका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। जब आपके नंबर का पहला डिजिट 2 होगा जब आप, तो आपका रिजल्ट ठीक आ जाएगा अगर आपकी कंडीशन ग्रेटर देन 10 है। तो आप इसको किसी और तरह भी कर लें जैसे आपका दिल करता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारा कोई भी नंबर ले लें बेटा, मिलियंस में ले लें, बिलियंस में ले लें, ट्रिलियंस में ले लें, कोई भी नंबर ले लें, हर नंबर का पहला डिजिट 10 से छोटा ही होता है, 1 से लेकर 9 तक होता है। ऐसा है या नहीं है? नंबर सर, अगर वाइल नंबर इक्वल्स टू अंडर फॉरवर्ड स्लैश 0, जी हजला आप क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? दोबारा से लिखे जरा, मुझे समझ नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखें, यहां पर जब हमारा नंबर कैलकुलेट हो जाएगा ना, फॉर एग्जांपल नंबर 11 है, 11 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कंडीशन ट्रू होगा जब आप यहां आ जाएंगे ना यहां पर, तो 11 जब 10 से डिवाइड होगा तो यहां 1 आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा, 1 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 1 ग्रेटर देन 10 नहीं होता, 1 इक्वल टू भी 10 नहीं होता, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो यहां से बाहर आ जाएगा। यहां आके नंबर की वैल्यू 1 है तो 1 इसको साइन कर देगा, तो आप लोगों के पास वो आपके पास ऐड हो जाएगा, ठीक है। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, फर्स्ट डिजिट 1 से लेके 9 तक कोई भी होगा ना, तो कंडीशन फॉल्स हो जानी है। अगर जैसे ही वो 10 पर जाएगा कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वो फिर अंदर आ जाएगा। तो अगर हमें फर्स्ट डिजिट फाइंड आउट करना है ना किसी भी नंबर का, तो दिस इज अ वे, ये हम लोग काम पहले करके आए हैं पिछले प्रोग्राम में। अब पिछले प्रोग्राम जो हम लोग करके आए हैं, लास्ट प्रोग्राम हम जो लोग करके आए हैं लास्ट लेक्चर में भी, उसमें अंदर और इसके अंदर हमारे पास कंडीशन में बहुत फर्क है, कंडीशन में बहुत फर्क है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछने, शाबाश। आप लोगों ने अगर लिखा था प्रोग्राम अपनी नोटबुक पर तो आप लोग मैच कर लें, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा तो आप लोग इसको नोट कर लें, ठीक है जी। आप लोगों के पास है, आप लोगों के सामने आपको नजर आ रहा है, आप लोग देख लें इनको, प्रोग्राम को। जी बेटा, क्लियर है सबको? जी वेरी गुड बेटा। जी हंजला क्या कह रहे हैं, अगर 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 ऐसा हो वाइल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना, तो आप लोगों के रिजल्ट में हमारे पास ऐसा सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी रीजन ये है, पहला डिजिट बेटा 0 हो नहीं सकता। एक बात, दूसरी बात, अगर 0 आ भी जाएगा, अगर 0 आ भी जाएगा, अगर फर्स्ट डिजिट जो है वो 0 आ भी जाएगा हंसला, तो उसके सम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या पड़ेगा कोई फर्क? जी हंसला फॉलो कर रहे हैं? देखिए 10 हमने इसलिए लिखा है बेटा कि जैसे ही नंबर 10 से लेस होगा, दैट मींस के नंबर पहला डिजिट है। आप लिख के, आप अभी लिख के देख लेते हैं, ये देखे रन करते हैं, 1 2 3 4 आना चाहिए, लूप नहीं चल रहा, चल रहा है, क्यों चल रहा है लूप? क्योंकि लूप इन्फिनिट में चला गया बेटा, लूप इन्फिनिटी में चला गया है, क्योंकि 0 इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू होती जा रही है, वो 0 10 से डिवाइड हो रहा है, फिर 0 आ रहा है, वो फिर कंडीशन ट्रू होती जा रही है। अभी तो मैं आपको बता गया हूं कि 0 अगर आ भी जाएगा हमारा डिजिट जो फर्स्ट वाला है, तो
उसके सम करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, जीरो को किसी आप वैल्यू में ऐड करेंगे तो वो वैल्यू एज इट इज रिजल्ट में आ जाएगी। लेकिन जीरो की फॉर्म में अगर हमने ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किया है तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपका जो आउटपुट कोई भी नहीं आ रही, मैं अपने कीबोर्ड से एंटर करता जा रहा हूं कोई आउटपुट नहीं आ रही, वो इन्फिनिटी में चला गया। क्यों इन्फिनिटी में चला गया? क्योंकि जीरो इक्वल टू जीरो कंडीशन ट्रू है, वो लूप की बॉडी में जा रहा है, जीरो को टेन से डिवाइड कर रहा है, जब जीरो को टेन से डिवाइड कर रहा है रिजल्ट में फिर जीरो आ रहा है, वो फिर कंडीशन ट्रू हो रही है। अब कंडीशन इनफाइनाइट टाइम ट्रू होती जा रही है, अब कंडीशन इनफाइनाइट टाइम ट्रू होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो आपके पास आपका लूप जो है वो इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। जी हंसना फॉलो कर रहे हैं आप लोग? जी बेटा किसी और को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। शाबाश। देखें जो जो फर्स्ट डिजिट है ना बेटा, फर्स्ट डिजिट कोई एक डिजिट, कोई एक डिजिट हो, चाहे वो फर्स्ट है चाहे वो सेकंड है, वो वन से लेके जीरो से लेके नाइन तक हो सकता है। अगर हम लोग सिंगल एक डिजिट की बात करेंगे तो वो वन से लेके नाइन तक हो सकता है, जीरो से लेके नाइन तक हो सकता है। जब वो नाइन से ऊपर जाएगा ना फिर टेंस बन जाएंगे, ठीक है? जब टेंस बनते हैं तो 99 तक टेंस जाते हैं, जैसे ही हम 99 से ऊपर जाएंगे तो हंड्रेड में नंबर चला जाता है, जब आप 999 से ऊपर जाएंगे तो थाउजेंड में नंबर चला जाता है, जब आप टेट्रा नाइन से ऊपर जाएंगे तो 10,000 में नंबर चला जाएगा। जी उम्मे अमन, आप बेटा क्वेश्चन पूछ लिया करें ना कि कौन सी एडिटिंग मैंने क्यों की है, आप बेटा क्वेश्चन पूछ लिया करें। और जो मैं एडिटिंग करता हूं तो मैं बोलता हूं पहले उसके उससे आगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है? हम उससे पूछ लिया करेंगे एडिटिंग क्यों की है, और दूसरा मैं उससे पहले बोलता हूं कि हमने प्रोग्राम ऐसे किया था, अब हम लोग ये प्रोग्राम ऐसे करके देखने जा रहे हैं, उस वजह से फिर हम लोग एडिटिंग करते हैं। अगर वहां पर आप लोग फॉलो नहीं करते या कोई मुश्किल होती है समझने में तो आप उससे पूछ लिया करें, मैं वहां पर आपको बता दिया करूंगा कि हम एडिटिंग क्यों कर रहे हैं, ठीक है जी? कोई और बात? जी बेटा कोई और बात? कोई क्वेश्चन है तो पूछ रहे हैं, नहीं क्वेश्चन तो चैट में रिस्पॉन्ड कर देंगे, कोई क्वेश्चन नहीं है फिर मैं इस मीटिंग को एंड कर देता हूं। बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है तो मुझे चैट में रिस्पॉन्ड कर दें। कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मुझे चैट में रिस्पॉन्ड कर दें फिर मीटिंग एंड कर देते हैं। जी ठीक है बेटा, अगर उसके बाद को अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे उस व्हाट्सएप पे पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे आपके साथ मुलाकात होगी, और कोशिश करें कि आप अपनी मीटिंग का जो लिंक है वो अपने दोस्तों को ना दें, समटाइम आप दोस्तों को देते हैं तो वो फिर डिस्टर्बेंस करते हैं। कोशिश करें, कोई ऐसा कोई सीरियस दोस्त है, कोई लर्निंग करना चाहता है, आपको पता उसके बारे में जानते हैं तो उसको दे दें, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है। अगर कोई चुप करके हमारी क्लास को अटेंड करता है या कुछ लर्न करना चाहता है, अपना ख्याल रखिएगा जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके साथ मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। जी जुनेद आप आ रही है आवाज? बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने लिंक मीटिंग का लिंक अपनी क्लास का लिंक किसी दोस्त को देना होता है तो किसी ऐसे फ्रेंड को दें जो सीरियसली पढ़ना चाहता है, अदरवाइज आपको पता है कि आपका फ्रेंड शरारती है तो आप उसको बेशक अपनी क्लास का लिंक ना दें, उसको ना बताएं क्लास के बारे में, मीटिंग के बारे में, ठीक है? ताकि वो कोई प्रॉब्लम ना कर सकें। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आपके साथ मंडे को, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।